हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा है, इसमें देख लेते हैं। फ्रॉम जो लिख रखा है उसके बाद जो लिखा है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो ए प्लस बी और सब्ट्रैक्ट लिखा है, इसके लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। फिर ये ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से a प्लस बी लिखते हैं। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन लगाया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस a हो गया और ये प्लस b हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का a और यहाँ पे माइनस का a है, तो ये कैंसिल ऐसे कर सकते हैं। तो ये b प्लस बी कितने b हो गए, ये 2b, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2b आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना ये फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी सब्ट्रैक्ट के लिए पूछा है, यहाँ पे फ्रॉम के बाद ये लिख रखा है, तो ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, बी 5 माइनस ए और माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो लिख रखा है उसको पहले लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ए और ये बी माइनस 5, ठीक है। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, 5b, ठीक है। इसको कर दिया, अब इसको इससे करना है तो माइनस ए बी, ठीक है, इसका हो गया। इसके बाद इसको इससे करना है तो माइनस ए बी। अब इसको इससे करते हैं तो ए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो साइन तो कौन सा आएगा, प्लस का, और ये ए को 5 5 चाहिए तो 5a आ गए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ से ए का देख लेते हैं, तो 5a, ठीक है। फिर प्लस प्लस के 5b हैं, 5b, ए बी और ये ए बी, एक ए बी माइनस का ये और एक ए बी माइनस का ये है, तो माइनस के कितने हो गए, 2ab, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ से 5a प्लस 5b माइनस 2ab, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, कि फ्रॉम के बाद जो लिख रखा है उसको पहले लिखना है और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना ये फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही है। अब ये फ्रॉम लिखा है, इसके बाद जो लिख रखा है उसको पहले लिखना है हमें, ठीक है। तो ये आएगा 4m² माइनस 3mn और प्लस 8, इसके बाद ये माइनस, और यहाँ पर इसको माइनस m² और प्लस 5mn ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 4m² ऐसे रहेगा, माइनस 3mn और प्लस 8। अब इस ब्रैकेट से पहले, इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का क्या हो गया, m², माइनस, ठीक है। तो ये इसको माइनस कर देगा, तो ये क्या आएगा, माइनस के 5mn, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें यहाँ से पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो 4m², ठीक है, ये m² की टर्म एक ये है, तो ये प्लस m², उसके बाद क्या है, माइनस 3mn और माइनस ये 5mn, उसके बाद प्लस 8 है, इसकी लाइक टर्म कोई है नहीं इसके साथ में, तो इसको अलग लिख दिया। अभी क्या करते हैं, यहाँ से m² यहाँ भी, m² यहाँ भी है, तो m² हमने यहाँ पर लिखा। अभी क्या करते हैं, यहाँ से 4 और यहाँ से 1 आ गया, फिर माइनस, सॉरी माइनस का तो नहीं रहे, हम एम एन लिख देते हैं पहले, एम एन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन लगेंगे, लगेगा यहाँ पे माइनस के 3 हो गए और यहाँ पे माइनस के 5 हो गए और प्लस के 8 हो गए। आगे जब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 और प्लस 1 5, तो ये 5m², उसके बाद इनको सोल्व किया तो कितना आएगा, ये माइनस के 8, माइनस के 8mn और प्लस के 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम अपना ये एट्थ पार्ट देख लेते हैं। तो एट्थ पार्ट में भी इसी तरह से, तो ये फ्रॉम लिखा तो इसको फ्रॉम के बाद जो लिख रहा है उसको पहले लिखना पड़ेगा, तो 5p² प्लस 3q² माइनस पी क्यू, ये माइनस साइन लगाया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4pq माइनस 5q² और ये माइनस के 3p², ठीक है। अभी आगे इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 5p² प्लस 3q², उसके बाद माइनस पी क्यू। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस आए तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4pq प्लस के 5q² और प्लस के p². अभी हम क्या क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो 5p² और ये p² ये रहा, तो ये प्लस p². अभी क्यू को देख लेते हैं तो प्लस 3q² ये रहा और एक ये रहा प्लस के 5q². अभी पी क्यू को देख लेते हैं तो माइनस, ये माइनस पी क्यू, ये रहा माइनस पी क्यू और माइनस के 4pq, ठीक है।
अब जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से देख लेते, 5p² और प्लस 1b² तो कितने हो गए 6p² अभी 3q² और 5q² कितने हो गए प्लस के 8q² अभी माइनस पी क्यू और माइनस के 4pq, तो माइनस का 1 और ये माइनस का 4, तो माइनस के 5 और पी क्यू इसके साथ चला तो माइनस के 5pq आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी अपना सोल्व कर सकते थे। स्टूडेंट्स एक में इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 3 को भूल गए, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं यहाँ से, ये क्योंकि 3 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लिख दिया हमें यहाँ पे 3 माइनस के 3p² यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसके साथ रहेगा, उसके बाद p² आपका यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 3p² हो गया। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 8, 8p² 8q² और माइनस 5pq आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 3 भी लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 लिखना रह गया था, तो ये दोबारा से एक बार आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, उसके बाद यहाँ पर चेंज हुआ है, और फिर ये यहाँ पर चेंज हो गया, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 8p² प्लस 8q² माइनस 5pq इस तरह से। अभी स्टूडेंट्स हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट शुड बी एडिड टू x² प्लस xy प्लस y² टू ओबटेन दिस 2x² प्लस 3xy। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, माइनस करना पड़ता है, व्हाट शुड बी एडिड टू, इसमें ऐड करना पड़ेगा तो इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या करते हैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा 2x² प्लस 3xy माइनस, और ये x² प्लस xy और प्लस y². ठीक है, ये आगे जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सीधा सीधा कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पे 2x² प्लस के 3xy और माइनस का ये x² हो गया, माइनस के xy हो गए और माइनस का ही रहेगा ये y² हो गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x² ये x², तो यहाँ पे 2x² और माइनस x². ठीक है, फिर xy का देख लेते हैं, तो प्लस 3xy और माइनस xy। ठीक है, और y² का रह गया अभी, तो माइनस के y² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं तो क्या आएगा 2x² माइनस x², तो x² आ गया, या फिर माइनस y² कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 3xy और माइनस xy, तो प्लस के क्या हो गए 2xy हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम अपना ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये हमें मिल जाए, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 2a प्लस 8b और प्लस 10 और माइनस, ये माइनस के 3a हो गए, प्लस के 7b हो गए और प्लस के 16 हो गए। ठीक है, आगे जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से 2a प्लस के 8b और प्लस के 10, अभी माइनस का यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस का 3a माइनस का 7b और माइनस के 16। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से a का देख लेते हैं, तो ये 2a और प्लस के 3a, तो कितने हो गए प्लस के 5a। अभी b का देख लेते हैं, 8b और माइनस का 7b, तो कितना बचेगा प्लस का b हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म होगी, तो 10 प्लस के और 16 माइनस के, तो क्या हो गया ये पे माइनस के 6 आ गए। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5a प्लस b माइनस 6। तो स्टूडेंट्स हमने ये वाला क्वेश्चन भी अपना कर लिया, अभी हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं, तो होमवर्क में क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 11.2 इन फेयर नोटबुक, तो स्टूडेंट्स आपको 11.2 एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।